चलिए सबसे पहले जानकारी दे दें कि संसद में बीजेपी संसदीय दल की बैठक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, जेपी नड्डा है, इस बैठक में मौजूद हैं अभी, और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, अर्जुन राम मेघवाल, प्रहलाद जोशी भी इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक में मॉनसून सत्र की रणनीति पर चर्चा हो रही है। संसद के लाइब्रेरी बिल्डिंग में ये बैठक आयोजित की जा रही है और आज चौथा दिन भी है कार्यवाही का। संसद में देखना होगा कि इस बैठक के बाद कितने जोश में सभी सांसद नजर आएंगे, मोदी मंत्र क्या दिया जाता है, और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी है तो इस तरीके की बैठकें भी होती रहेगी। मोदी मंत्र क्या होगा और बीजेपी संसदीय दल की बैठक बेहद खास, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और हर कोई ये जानता भी है कि किस तरीके से विपक्ष पुरजोर तरीके से कोशिश कर रहा है सरकार को घेरने के लिए। और महत्वपूर्ण मुद्दा मणिपुर का है, हालांकि अमित शाह ने साफ कर दिया था कि हम चर्चा करने के लिए तैयार है, बहस करने के लिए तैयार है। आखिर क्यों विपक्ष इस बात पर अड़ा हुआ है, क्यों वो बहस नहीं कर रहा और लगातार न्याय की मांग कर रहा है, लेकिन बहस पहले होनी चाहिए। दोनों तरफ से ये बात की जा रही है, लेकिन इस बीच मोदी मंत्र दिया जा रहा है सांसदों को, संसद में फिलहाल संसदीय दल की बैठक है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह हैं, जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद हैं, अर्जुन राम मेघवाल हैं, प्रहलाद जोशी इस बैठक में मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह हैं, तमाम दिग्गज हैं। और मॉनसून सत्र की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। जाहिर सी बात है मॉनसून सत्र चल रहा है और लाइब्रेरी बिल्डिंग में ये बैठक आयोजित की जा रही है। संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग है, कुछ ही देर बाद चौथा दिन जो संसद का शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि तमाम सांसद जो है वो पहले से दिल्ली में मौजूद थे, डेरा डाला हुआ था, क्योंकि वो भी लगातार कांग्रेस को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से चाहे हम राजस्थान की बात करें, अन्य राज्यों की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का कहना है कि लगातार हिंसा बढ़ती जा रही है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस और अन्य तमाम महागठबंधन वाली पार्टी है, तमाम विपक्ष जो है वो बीजेपी को, केंद्र सरकार को मणिपुर के मामले में घेरता हुआ नजर आ रहा है, न्याय की मांग कर रहा है। संजय सिंह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, वो जानकारी हमने आपको दी थी कि किस तरीके से वो संसद के बाहर, गांधी की प्रतिमा के बाहर ही पूरी रात बैठे रहे। आप नेता हैं संजय सिंह, और उनका भी यही मानना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा, और प्रदर्शन उनका लगातार चल रहा है। लेकिन इस बीच ये भी जानकारी है कि उनको इंडिया का समर्थन मिल रहा है, इंडिया महागठबंधन, विपक्ष एकजुट मोदी सरकार के खिलाफ। वो संजय सिंह को जिस तरीके से उनका निलंबन किया गया है उसके खिलाफ हो चुके हैं, वो भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संजय सिंह मणिपुर की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। ये प्रदर्शन फिलहाल आपको बताया किस तरीके से रात भर बैठे रहे, और अभी फिलहाल जो जानकारी है सांसदों को मोदी मंत्र दिया जा रहा है और किस तरीके से जवाब देना है विपक्ष को, इसकी भी रणनीति तय की जा रही है। मॉनसून सत्र चल रहा है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बेहद खास होगा आज का दिन, चौथा दिन है, लेकिन हंगामा होने के पूरे पूरे आसार हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक है, जाहिर सी बात है मोदी मंत्र दिया जाएगा। क्या खास होगा, कितना जोश सांसदों में, दिग्गजों में नजर आएगा जब वो संसद में बोलते नजर आएंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या सार्थक बहस होती हुई नजर आएगी या फिर हंगामा होगा और एक बार फिर से कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। लेकिन जनता के हितों की बात आखिर कब होगी, अब तो राज्यों की बात होनी चाहिए, क्योंकि जनता परेशान है। पूरे पूरे राज्यों की बात करें, पूरे मणिपुर की हम बात करें, तो वो जल रहा है लगभग कितना वक्त हो गया है, और जिस तरीके से महिलाओं के साथ वहां पर अत्याचार किया गया है, और वो जो घटना सामने आई थी पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना आई थी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर अपना वक्तव्य दिया था, अपनी चुप्पी तोड़ी थी। खुद अमित शाह कह रहे हैं कि हम चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष पूरे तरीके से मुखर। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां अभी सांसदों को मोदी मंत्र दिया जा रहा है। सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। आनंद, बेहद खास है, चौथा दिन भी है संसद की कार्यवाही का, उम्मीद तो यही करेंगे कि कोई सार्थक बहस हो, फिर से कार्यवाही स्थगित ना हो, लेकिन उससे पहले मोदी मंत्र दिया जा रहा है क्योंकि विपक्ष पूरे तरीके से मुखर है, और प्रतिमा के बाहर संजय सिंह भी बैठे हुए, आप नेता भी, जैसे इंडिया ने भी उसे समर्थन दे दिया है। ऐसे में क्या मोदी मंत्र दिया जाएगा, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है? जी
जी बिल्कुल, अगर बात करें आज की तो लगातार पार्लियामेंट में कोशिश की जा रही है, सत्ता पक्ष अपने मुद्दे लेकर बैठा है और विपक्ष अपने मुद्दे। तो आप कल तक देखा था कि आपने कि खुद होम मिनिस्टर अमित शाह ने खुद विपक्ष से अपील की थी कि सदन को चलने दिया जाए, हम मणिपुर के मुद्दे पर बहस करने को तैयार हैं। लेकिन अगर बात करें विपक्ष की तो विपक्ष का साफ कहना है और लगातार उसके सांसद स्थगन प्रस्ताव दे रहे हैं, चाहे राज्यसभा की बात हो चाहे लोकसभा की बात हो। आज फिर मनोज झा ने स्थगन 276 रूल का अप्लाई करते हुए स्थगन प्रस्ताव दिया। उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने, तो आप खुद समझ सकते हैं अगर विपक्ष की बात करें तो वो 267 रूल का अप्लाई करते हुए स्थगन प्रस्ताव देना चाहता है, उसके साथ बहस करना चाहता है मणिपुर वाले मुद्दे को लेकर। जिसमें अगर बात करें बीजेपी या सत्ता पक्ष का कहना है कि हम भी बहस को तैयार हैं, लेकिन हम जिस रूल के तहत बहस करना चाहते हैं वो है 176। और अगर मैं आप बताऊं दोनों रूल में अंतर क्या है, तो 267 रूल ये कहता है कि सदन की दोनों सदनों को स्थगित करते हुए मणिपुर की मुद्दे पर बहस और कंटिन्यूसली कई घंटे तक बहस चले और आखिरी में पीएम मोदी खुद इस मुद्दे को लेकर अपना संबोधन दे पार्लियामेंट में। लेकिन अगर बात करें सत्ता पक्ष की जो बहस चाहता है 176 में, 176 रूल ये कहता है कि आपको 150 मिनट यानी लगभग 1.5 घंटे तक आपको, माफ कीजिएगा, 150 मिनट तक आपको बोलने का मौका मिलेगा, उसके बाद खुद होम मिनिस्टर इस मुद्दे पर अपना संबोधन देंगे जिसके चलते फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर पूरी तरह से मना कर चुका है, उनका साफ कहना है कि हमें पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन चाहिए। कल ही कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्लियामेंट से बाहर बोला है कि अगर 140 करोड़ का नेता खुद पार्लियामेंट के बाहर बोल सकता है तो पार्लियामेंट के अंदर बोलने को क्या परेशानी है। तो आप खुद समझ सकते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार अपने मुद्दों को लेकर अडिग हैं, जिसके चलते आप देख रहे हैं लगातार लोकसभा राज्यसभा दोनों स्थगित करनी पड़ रही है। उसके बाद अब बीजेपी ने अपने संसदीय दल की बैठक बुलाई है जिसकी बैठक की शुरुआत हो चुकी है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तमाम मंत्रियों को साथ साथ सांसदों को वो मंथन देंगे, वो मोदी मंत्र देंगे, जिससे कोशिश की जाएगी आगे कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चल सके। और अगर बात करें मणिपुर मुद्दा एक अहम मुद्दा है जिसको सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही समझ रहे हैं, जिसके चलते कोशिश की जा रही है। कल ही उपनेता सदन यानी राजनाथ सिंह ने खुद ही मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की, टीआर बालू से मुलाकात की और उसके साथ साथ तमाम उन नेताओं से अपोजिशन के मुलाकात की और सुचारू रूप से चलने को लेकर निवेदन किया। लेकिन विपक्ष अपनी मांगों को लेकर अडिग है, उनका साफ कहना है 267 के तहत हमको बहस करनी है और पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन चाहिए। तो उसको लेकर आप देख सकते हैं दोनों ही पक्ष अपने 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 स्टैंड पर अडिग खड़े हैं, जिसके चलते पार्लियामेंट लगातार स्थगित होने वाली हो रही है। और उसके चलते आज उम्मीद कर सकते हैं कि काश वो जो बर्फ दोनों सत्ता में और विपक्ष में आनंद जमी पड़ी है, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से विस्तार से समझा दिया है कि दोनों रूल्स में फर्क क्या है। लेकिन दोनों ही अडिग हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष पक्ष हो, लेकिन इसमें पिस कौन रहा है? जनता पिस रही है। वो मुद्दे गौण हो रहे हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए और वो सार्थक होनी चाहिए, लेकिन बार बार क्या कार्यवाही ऐसे स्थगित होती रहेगी? यहां पर शायद जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है, सत्ता पक्ष की बनती है कि यहां पर सार्थक बहस हो। तो क्या कोई सोल्यूशन, कोई तोड़ निकल सकता है आनंद, या फिर कोई ऐसे वीटो पावर को इस्तेमाल करेगा? जी पूनम, सबसे बड़ा मसला ही यही है कि मणिपुर जैसा मुद्दा जो कि गंभीर मुद्दा है, देश की आधी आबादी से रिलेट करता है, उन महिलाओं पे जो अत्याचार हुआ, वो यौन शोषण हुआ, वो किसी भी डेमोक्रेसी तो छोड़िए ह्यूमैनिटी के लिए भी सबसे बड़ा खतरा है। तो उसको लेकर लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने खड़े हैं, लेकिन इन तमाम चीजों के चलते जो कि आपने खुद कहा कि एक वो मसला जनता है जो लगातार पिसी जा रही, कई ऐसे बिल आने हैं जिसको चलते लगातार बहस होनी चाहिए, उसमें विपक्ष अपना रोल अदा करता और सत्ता पक्ष अपना। अगर बात करें दिल्ली का ऑर्डिनेंस भी आना है इसी में, जो बिल का सुचारू रूप से एक्ट बनेगा, तो तमाम वो मसले आने हैं जिसको लेकर इसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों आमने सामने खड़े हैं और इसके चलते पिस रही है वो जनता। जो बिल पे आने पे बहस होती, विपक्ष अपने आइडिया बताता और सत्ता पक्ष अपने, तो जिससे देश की आजादी या कहें देश की आबादी को लेकर तमाम तस्वीर इतनी सुखद हमें नजर आती। लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है आनंद, उम्मीद की जा सकती है कि शायद कोई जनता के हित के बारे में सोचता नजर आएगा। शुक्रिया ये अपडेट देने के लिए, जानकारी देने के लिए।